नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस है, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे। आप सभी को विश्व मृदा दिवस की शुभकामनाएं, और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी मिट्टी का पूरा ख्याल रखें। मिट्टी हमारे लिए, सबके लिए, किसान के लिए भी और सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने शरीर में 3 चीजें डालते हैं, हवा, पानी और भोजन, और इन तीन चीजों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये तीनों चीजें, हवा, पानी और भोजन, हमको कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमको हवा, पानी और भोजन अच्छा मिलेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, और ये तभी संभव होगा जब मिट्टी मुस्कुराएगी। मिट्टी मुस्कुराने के लिए हमको जो मिट्टी को जो हम भोजन खिलाते हैं, यानी कि जो खाद डालते हैं, हम ज्यादातर रसायन खाद डालते हैं। मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें रसायनों को कम करना होगा, जैविक खादों को बढ़ावा देना होगा, जैसे कि इकोमैक्स, एजोमैक्स। अगर हम इनका प्रयोग करेंगे, रसायन को कम करेंगे, पैदावार भी बढ़ेगी और साथ में मिट्टी भी मुस्कुराएगी। धन्यवाद। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी के संसाधनों के स्थायी प्रतिबंध की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के साधन के रूप में आयोजित किया जाता है। किंगडम ऑफ थाईलैंड के नेतृत्व में और वैश्विक मृदा साझेदारी के ढांचे के भीतर FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाला मंच के रूप में वर्ल्ड सॉइल डे की औपचारिक स्थापना का समर्थन किया है। FAO सम्मेलन में सर्वसम्मति से जून 2013 में विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया और 68वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके आधिकारिक रूप से लेने का अनुरोध किया। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित करके जवाब दिया। 5 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह स्वर्गीय मां महिम राजा भूमिबोल अदुल्यदेज के जन्मदिन पर आती है। राजा भूमिबोल थाईलैंड के राजा थे और विश्व मृदा दिवस के मुख्य समर्थकों में से एक थे। नमस्कार, जीयू परिवार की तरफ से आज विश्व मिट्टी दिवस पे मैं आप सभी को अपनी तरफ से और जीयू परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मिट्टी हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मिट्टी के बिना हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। मिट्टी हमें अच्छा जीवन जीने और अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आइए आज के दिन हम सभी लोग मिलकर अपनी मिट्टी को संरक्षित करने का संकल्प लें। अ हेल्दी लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ हेल्दी सॉइल। लेट अस वर्क विद नेचर, नॉट अगेंस्ट नेचर। थैंक यू। हमारी मिट्टी की जैव विविधता खतरे में है। पिछले 150 वर्षों में ग्रह पर मिट्टी की ऊपरी परत का आधा हिस्सा खो गया है, जिसमें हर साल 26 बिलियन टन मिट्टी बह गई है, जो मिट्टी की भरपाई की तुलना में 10 गुना तेज है। इसका कारण ये है कि इस वर्ष का अभियान मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता को सुरक्षित रखें, यानी कि कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडायवर्सिटी का उद्देश्य मिट्टी के प्रबंधन में बढ़ती चुनौतियों को दूर करने, मिट्टी की जैव विविधता के नुकसान से लड़ने, जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मिट्टी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार के लिए दुनिया भर की सरकारें, संगठन, समुदाय एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर पर जेयू एग्री साइंसेज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन बहुत बहुत शुभ है, कारण कि आज हम अपने मृदा के स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस चर्चा को क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें यह एहसास है कि हमारी मृदा जितनी स्वस्थ होनी चाहिए उतनी स्वस्थ नहीं है, और उसके बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कारण हैं। आज हम कारणों में न जाते हुए सिर्फ इतनी ही चर्चा करें कि हम अपनी मृदा को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जिस प्रकार से हम अपनी मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं,
जिनमें से जो दो या तीन मुख्य प्रकार हैं उन पर आज मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहला प्रकार है कि जब भी हमें मौका मिले हम अपनी ज़मीन के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर, अपनी मृदा के अंदर गोबर की खाद या देसी खाद का प्रयोग करें। अगर जहाँ पर संभव हो और वहाँ पर हम फसल चक्र का प्रयोग कर सकते हैं और उस फसल चक्र में एक बार दलहनी फसल का प्रयोग जरूर करें, दलहनी फसल को जरूर उगाएं। जो तीसरा और मुख्य कारण है, बिंदु है, वो है कि हम अपने खेतों के अंदर अनुशंसित मात्रा से ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। अगर ये जो तीन प्रकार के मैंने बिंदु बताए हैं, यदि हम इन तीनों बिंदुओं पर अच्छे से प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी बड़ा योगदान अपने मृदा के स्वास्थ्य को बचाने में दे सकते हैं। यही मेरी कामना है और यही मेरा सुझाव है अपने किसान भाइयों को। JU एग्री साइंसेस हमेशा हमेशा अपनी मृदा के स्वास्थ्य के लिए, बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा तत्पर रहेगी। इसी कारण से हम लोग जो कंपनी का स्लोगन है वो भी मिट्टी या मृदा से ही संबंधित है और हम लोग हमेशा बोला करते हैं मिट्टी मुस्कराएगी। तो साथियों, आज मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूँ कि सदैव हम इस प्रकार के बिंदुओं को प्रयोग करें, इस प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखें और हमेशा मिट्टी को मुस्कराने दें। जय हिंद, जय भारत, मिट्टी मुस्कराएगी। तो आइए इस विश्व मृदा दिवस पर हम सब ये मिलकर प्रण लेते हैं कि हम अपनी माटी को और प्रदूषित नहीं होने देंगे और वो हर संभव प्रयास करेंगे जो हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बनाएगी, क्योंकि जब मिट्टी मुस्कुराएगी तभी तो देश मुस्कुराएगा। JU AgriSciences, मिट्टी मुस्कुराएगी।